ये घटना पावर शटडाउन प्रक्रिया से संबंधित है, जहां ड्रिल मशीन का फील्ड स्विच ड्रैग लाइन ब्लास्टिंग के लिए शिफ्ट करना था। इलेक्ट्रीशियन ने सुपरवाइजर के कहने पर शटडाउन की प्रक्रिया को बाईपास करते हुए कंट्रोल स्विच से एक का पावर कट कर दूसरे इलेक्ट्रीशियन को इशारा किया कि पावर कट गया है। दूसरे इलेक्ट्रीशियन ने कंफर्मेशन मिलने पर उसने फील्ड स्विच में काम करने से पूर्व उसे डिस्चार्ज कर दिया। दरअसल इस फील्ड स्विच का पावर ना कटे होने के कारण सब स्टेशन से अर्थ लीकेज ट्रिप कर गया और पावर कट गया। जो इलेक्ट्रीशियन इस फील्ड स्विच में लगे थे, उन्होंने सोचा कि पावर कटा हुआ है और उन्होंने केबल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि सब स्टेशन से पावर ट्रिप करने से ड्रैग लाइन मशीन का भी पावर कट गया था, तब ड्रैग लाइन मशीन से क्लियरेंस मिलने पर SBA ने सब स्टेशन से पावर चार्ज कर दिया। पावर सब स्टेशन से चार्ज करते ही उस फील्ड स्विच में भी पावर आ गया, जिसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया में इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर लगे थे। पावर चार्ज होते ही इस फील्ड स्विच में आवाज के साथ तेज स्पार्क और फ्लैश हुआ, जिसमें इलेक्ट्रीशियन एवं हेल्पर के हाथ में बर्न इंजरीज आई, परंतु दोनों बच गए। ध्यान रखें, शटडाउन प्रक्रिया कभी भी बाईपास ना हो। शटडाउन की प्रक्रिया लॉकआउट और टैग आउट को अपनाएं। फीडर की नंबरिंग, पोल, फील्ड स्विच एवं कंट्रोल स्विच पर अवश्य लिखें, एवं मशीन का नाम भी फील्ड स्विच एवं कंट्रोल स्विच में लिखा जाए, जिससे इस तरह की गलती ना हो। PPE का पूरी तरह पालन करें। सब स्टेशन से किसी भी फीडर के फॉल्ट में ट्रिप करने पर उस फीडर से संचालित सभी मशीनों से क्लियरेंस लेने के बाद ही पुनः चार्ज किया जाएगा।